दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में सरकार बनाना चाहती है तो उसे यूपी की 80 सीटों को अपनी तरफ झुकाना ही पड़ेगा। हमारे देश में टोटल लोकसभा सीट है 543, वहीं मेजोरिटी के लिए चाहिए 272 सीट, तो आखिर यूपी को 80 सीट कैसे मिल गया। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार के पास है 40 सीट, वहीं झारखंड के पास है 14 सीट और अन्य राज्य जैसे कि नागालैंड, गोवा, तो इनके पास सिर्फ एक या दो सीट। तो आखिर हमारे देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे होता है, तो आइए स्टूडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होता है, यानी कि जिस राज्य के पास ज्यादा जनसंख्या होती है उसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। और एक बात और बता दूं कि हमारे देश में लोकसभा की सीटें फिक्स नहीं है। 1957 के चुनाव में ये 494 सीट थी, तो वहीं 1967 के चुनाव में लोकसभा की सीट 520 हो गई थी। अभी हमारे पास लेटेस्ट 1976 का चुनाव है, वो अब तक 543 सीट बरकरार है। हमारे देश में लोकसभा की सीटों का बंटवारा करने के लिए डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, इसे बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन का काम होता है कि पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये सभी राज्यों को लोकसभा की सीट अलॉट करती है। जैसे कि हर स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के पास एक लोकसभा सीट तो कम से कम होना ही चाहिए। दूसरा, हर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसे आप इस तरह से समझिए कि 1971 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश की आबादी थी 54 करोड़, तो उस समय 10 लाख पर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 543 सीट राउंड फिगर में लाया गया था। अब उस समय यूपी की आबादी थी 8 करोड़, तो इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, यानी कि 10 लाख पर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 8 करोड़ का होता है 80 सीट। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन था करीब 4 करोड़, तो इस हिसाब से यहां बिहार में मिल गया 40 सीट। और जिस राज्यों के पास 10 लाख से कम पॉपुलेशन था तो उनको एक एक सीट मिल गया। तो दोस्तों, इस तरह 10 लाख पर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारे देश में लोकसभा की सीटों का बंटवारा होता है। अभी हमारे देश की आबादी 130 करोड़, जबकि हम यूज कर रहे हैं 543 सीट 1971 की जनगणना के हिसाब से। तो आखिर ऐसा क्यों? डेलिमिटेशन कमीशन हर जनगणना के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट में नहीं लाया जाता, तो आखिर क्यों? तो दोस्तों, इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि 1971 के हिसाब से हमारे देश की आबादी थी 54 करोड़, वहीं 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश की आबादी थी 125 करोड़। और जनसंख्या के मामले में यूपी और बिहार का पॉपुलेशन पहले से ज्यादा हो गया है। तो अगर इस रिपोर्ट को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन दोनों राज्यों का लोकसभा का सीट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने 2026 तक इस पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर ली मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।